वन मंत्री दारा सिंह चौहान की अध्यक्षता में रोटरी क्लब के सदस्यों का सम्मान समारोह का आयोजन एनएससी भवन के सभागार में शनिवार को सकुशल संपन्न हुआ। इस अवसर पर वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने रोटरी क्लब के सदस्यों को प्रशस्ति पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, उत्तर प्रदेश व्यापार प्रकोष्ठ के कल्याण बोर्ड के सदस्य पुष्पदन जैन और रोटरी क्लब के सदस्य मौजूद रहे। सब कोई अपने अपने जगह पर बैठ जाए। अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस मीटिंग की जो कंडक्टर प्रोग्राम है उसे कॉल करो। यदि कीर्ति छोटे बड़े लीडर है हिमाचल के और है आपका कांता प्रेस बहुत पुराना, सबसे पुराना प्रेस भरोसपुर का है। रोटी देवी शिविर विक्रम सिंह, अपने सहयोगी श्रीमती कीर्ति चोपड़े, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री वन टीम पुनः रोटरी क्लब कुशल नेतृत्व में
वन विभाग ने एक दिन में 25 करोड़ पौधे लगाए, जिसमें सभी वन विभाग के द्वारा पूरे समाज के लिए, चाहे वो किसान हो, इंडस्ट्रिस्ट हो, छात्र हो, अध्यापक हो, सभी वर्गों के लोगों ने बढ़ चढ़ हिस्सा लिया। कहने का मेरा मतलब यह है कि इस बार जब जंगल में बोलना चाह तो सबने देखा वन विभाग में कुछ काम कर रहा है और आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके चल नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे पास सरकारी संसाधन सीमित है, सरकारी धन सीमित है, जमीन सीमित है, लेकिन अगर पब्लिक का, किसानों का अगर इन्वॉल्वमेंट होगा तो हम लोग पर्यावरण को बहुत अच्छा कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण कर सकते हैं। महोदय, आपके आशीर्वाद से हर आने से ही हमारे सारे अधिकारी कर्मचारियों में एक जोश भर जाता है, जब भी आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहता है, बीच बीच में पैसे भी मिलते हैं, यहाँ भी आप आते हैं। आज के इस कार्यक्रम में जो भी कार्यक्रम पिछले साल किया गया था, तो अगर पता उस समय मैं वाक्य में यहाँ पर नहीं था, लेकिन मुझे पता चला है कि रोटरी क्लब और वन विभाग के उसके तहत पूरे शहर के, जिले के करीब करीब सभी संवर्गों को, चाहे वो डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो या बिजनेसमैन हो, सभी को जोड़ा गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और शायद मैं समझता हूँ कि प्रदेश में ऐसा बहुत कहीं नहीं मुझे सुनने को मिला कि रोटरी क्लब ने इतने बड़े पैमाने पर बहुत किया। इसके लिए रोटरी क्लब और जो उनकी सहयोगी संस्थाएँ मंत्रालय होंगे, सभी जो है बधाई के पात्र हैं। इस कार्यक्रम के आज दो ग्रीन और ग्रीन में और शायद मेरा गोरखपुर और ग्रीन गोरखपुर के पुरस्कार समारोह में हमारे माननीय मंत्री जी का यहाँ पर पदार्पण होना हमारे सबके लिए एक किसी भी आशीर्वाद से कम नहीं है। उनके हमारे पावन चरणों से ही हम लोगों में एक जोश भर जाता है। महोदय, इन सब यहाँ आने के लिए हम आपके बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं।